Hello guys, Myself Chirak. In this video, we will talk about transistor-transistor uh, uh, logic. It is a uh, part of uh, uh, logic family device and it is important I see and uh, it is useful both uh, uh, electrical and electronic stream. Hope you enjoy and like it. Uh, first question is what is TTL and compare the TTL and CMOS logic. Uh, ttl logic family is improved version of diode transistor logic dtl logic family and it is uh, uh, fabricated on single ic and uh, basic gate is nand gate and it uh, it operates on 5 volt vcc this is a 5 volt vcc and uh, uh, this ic was invented in 70s but uh, this it is still useful uh, but uh, most widely used logic family after जिक फैमिली देखिए यदि हम कंपेयर करें सीमोस को और टीटीएल को ऑफकोर्समोस इज मच बेटर टेक्निक देन टी टी एल बट स्टिल इट इज यूजफुल द रीजन इज वी विल सी द रीजन्स टिपिकल फैनआउट ऑफ मोस्ट टीटीएल फैमिलीज आर टेन यू शिड रिमेंबर टेन इज ए फोर टी टी एल एंड फिफ्टी इज फैन आउट फॉर सीमॉस ये क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यूज में काफ़ी एंड इफ वी कंपेयर द स्पीड द प्रोपोगे डिले ऑफ टी टी एल आर यूजली टेन एन टेन एन अकेंड वेयर इज द प्रोपोगे डिले ऑफ सी मोस लाई बिटवीन ट्वेंटी टू टू हंड्रेड एन अकेंड यू कैन सी दैट कि टी टी एल इज फास्टर दिज इज द रीजन स्टिल टी टी एल आर यूज ये ऑफकोर्स फिफ्टी ईयर्स अगो की टेक्नोलॉजी है एंड सीमोस इज न्यू टेक्नोलॉजी फिर भी हम टी टी एल को काफी यूज लेते हैं स्पीड एंड सेकेंड रीजन इज इट्स अवेलेबिलिटी यहाँ टी टी एल के हमारे पास अप्रोक्सीमेट फाइव वर्जन ऑफ आई सीज अवेलेबल है वी विल सी इन नेक्स्ट स्लाइड्स next is uh, noise immunity cmos noise immunity is uh, good compared to ttl uh, here is the noise margin of ttl it is a input side and uh, this is a output side for logic one this is a high it should it, it is one uh, if uh, voltage is between 2 volt to 5 volt, then it will be 1. And uh, if uh, uh, voltage is input voltage is 0 to 0. 0.8, then it will be considered as 0. And uh, in, uh, in output side, if uh, uh, voltage is bit uh, from 2.7 to 5 volt, it will be logic 1. And uh, if uh, uh, voltage is 0 to 0. 0.5 then it will be logic 0. You can see that this is a noise margin. Here is a noise margin. Noise margin is 0 0.7 at a higher side and uh, 0 0.3 at lower side. So noise margin is minimum of uh, 0.7 and 0.3. So uh, noise margin is equal to minimum of uh, 0 0.7 and 0 0.3 it is 0 0.3 uh, we have seen that uh, ttl is improved version of dtl so first we will look at dtl there are two parts of uh, a dtl circuit diode transistor logic फर्स्ट इज एंडगेट पहला है एंडगेट दिस इज ए फर्स्ट फर्स्ट पार्ट एंडगेट एंड सेकेंड इज इनवर्टर एंड हेयर डब्लू इज ए इन टू बी तो सबसे पहले हम देखेंगे हाउ इट इज वर्किंग देखिए डायोड इज कनेक्टेड लाइक दिस इफ दिस इज ए इनपुट ए इफ इट इज ए जीरोन डायोड विल बी इन फॉरवर्ड बायस Or on, and uh, if this part is high, if input is logic one high, then it will be reverse bias off. If it is a forward bias, then it will be short circuit. Ye hoga short circuit. If it is a reverse bias, then it will be open circuit. So this is a concept. So here we will see. दिस इज ए फर्स्ट पार्ट एंडगेट पार्ट एंड सेकेंड इज इन्वर्टर यहां हम दो एक्स्ट्रा डायोर्स यूज लेते हैं डी वन एंड डी टू दीज डाय जस्ट इम्प्रूव नॉइज इम्यूनिटी हे वे विपरेशन्स फर्स्ट इफ इनपुट इज जीरो एंड जीरो फॉर एग्जाम्पल ए इज जीरो एंड बी इज जीरोन डी ए डी ए विल भी ऑन एंड डी बी विल बी ऑन यदि ये ऑन है तो क्या हो जाएगा ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो यहां भी कितना वोल्टेज आएगा जीरो वोल्टेज और यहां भी आएगा जीरो वोल्टेज अज्यूम डी एंड डी बी आर आइडियल इफ इट मींस डब्ल्यू इज जीरो इफ डब्लू इज जीरोन डी ए और डी वन एंड डी टू विल बी ऑफ रिवर्स बायस इट इफ इट इज ऑफ द यहां पर जीरो वोल्टेज है तो यहां फाइव के में कोई करंट नहीं जाएगा देन इट विल बी जीरो इफ इट इज जीरो दिस इज ए इन्वर्टर देन आउटपुट विल बी वन दिस इज ए वर्किंग फोर इफ ए एंड बी आर जीरो नाउ सेकेंड केस इफ ए इज इक्वल टू जीरो एंड बी इक्वल टू वन देन इट विल बी फॉरवर्ड बयर्स डी ए विल बी फॉरवर्ड बायस और ऑन और डी बी विल बी ऑफ तो यहां से कट ऑफ हो जाएगा हट जाएगा और डी uh, ए ये शॉर्ट सर्किट डीए शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो यहां पर अगेन डब्ल्यू विल बी जीरोब्लू इज जीरोन डी एंड डी वन विल बी ऑफ अगेन यहां पर कितना आएगा फिर वोल्ट जीरो वोल्ट ही आएगा यदि ये जीरो है तो इट इज ए इन्वर्टर सर्किट तो आउटपुट अगेन आएगा वन सो आउटपुट इज वन नाउ नेक्स्ट केस इफ ए इज इक्ल टू वन एंड बी इज इक्ल टू जीरो तो डी ए रहेगा ऑफ और डी बी रहेगा ऑन अगेन ये डी बी ऑन रहेगा तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो जीरो इफ इट इज ए इज जीरो वोल्ट देन इट विल वोल्व ऑल्सो जीरो वोल्ट डब्ल्यू इज इकल टू जीरो वोल्ट अगेन डी ए और डी बी क्या हो जाएगा फिर भी ऑफ ही रहेगा अगेन एंड इट विल बी जीरो एंड वाई वन विन वन सो इन दिस केस ऑल्सो आउटपुट बी वन इन ऑल थ्री केसेस आउटपुट विन नाउ नेक्स्ट केस इफ बोथ इनपुट ए एंड बी आर हाई देन अपर डी एंड डी बी बोथ विल बी ऑफ इट इज ऑफ एंड इट इज ऑफ तो ये क्या हो जाएगा ये हट जाएगा ये सेक्शन ही हट जाएगा इफ इट इज इफ इट इज एन यहां भी हाई वोल्टेज ही रहेगा हाई वोल्टेज होगा तो डी ए डी वन रहेंगे ऑन डी ए डी वन ऑन रहेंगे तो ये डब्लू हाई वोल्टेज पे था तो इनपुट टू ट्रांसिस्टर विल भी हाई

टी लॉजिक फैमिली हमने देखा लॉजिक फैमिली के फाइव और सिक्स वर्जन है इसी के कारण काफी ज्यादा टीटीएल -टी यूज होता है फर्स्ट सबसे ईजीएस्ट सीरीज है सेवेंटी फोर सीरीज इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड लॉजिक आउटपुट बट इट इज नॉट यूजफुल फुल टूडे यहां हम ज्यादा इसे यूज नहीं लेते इंटरव्यू uh, में सबसे पूछा जा सकता है कि वॉट इज सीरीज ऑफ टी टी एल लॉजिक टी टी एल सीरीज है 74 फोर सीरीज जितने भी टी टी एल लॉजिक है सभी 74 फोर से स्टार्ट होंगे स्टैंडर्ड सिंपल स्टैंडर्ड होगा सेवन फोर जीरो जीरो नेक्स्ट इज टी टी एल फोर एच यहाँ एच का मीनिंग है हाई स्पीड हाई स्पीड टी टी एल लॉजिक यहां देखिए uh, हम इफ वी डिक्रीज द रेजिस्टेंस वी विल सी इन नेक्स्ट स्लाइड देन time constant rc will decrease but power uh, dissipation will increase so speed uh, of is uh, maximum it is 6 nanosecond next family is 74 low power series here l means low if you uh, if any application wants low power then we will increase resistance तो पावर कंजप्शन कम होगा बट इट्स इंटरनल टाइम कॉन्स्टेंट विल इंक्रीज सो स्पीड विल डिक्रीज तो सेवेंटी फोर एल सीरीज में पावर तो इंप्रूव होगा बट स्पीड डिक्रीज होगा नेक्स्ट इज सेवेंटी फोर एस यहां एस का मीनिंग है शॉर्ट शॉर्ट की टीटीएल लॉजिक यहां हम शॉर्ट की डायोड यूज लेंगे वी विल सी इन नेक्स्ट लाइट तो शॉर्ट की डायोड में स्पीड बहुत ज्यादा इंप्रूव होता है तो वी कैन सी दी फोर एस सीरीज इज फास्टेस्ट सीरीज प्रोपोगेशन डिले इज थ्री नैनो सेकेंड नेक्स्ट इज सेवेंटी फोर एल एस सीरीज लो पावर शॉर्ट की डायोड शॉर्ट की टीटीएल यहाँ पर पावर डिसिपेशन भी टू टू मिली वर्ट होगा और प्रोपोगेशन डिले भी कम होगा तो प्रैक्टिकली मार्केट में ये आईसी मिलता है सेवेंटी फोर एल एस इसका नेक्स्ट वर्जन है हाई स्पीड में भी जा सकते हैं हम लो पावर हाई स्पीड शॉर्ट की ये भी अब मार्केट में अवेलेबल है। बेसिक लॉजिक दिस इज दिस ए डीटीएल हेयर द इन डीटीएल देयर वर थ्री डायोड्स। इट इज एन पी एन पी एन दिस होल डायोड कॉन्फिकेशन कैन बी रिप्लेस बाई ए बीजेटी दिस दैट बीजेटी जे टी इज कॉल्ड मल्टी एमीटर बीजेटी तो सिंपल बेसिक टीटीएल में और डिटेल में एक ही डिफरेंस है वो है यहां पर हम यूज लेंगे मल्टी एमीटर बीजेटी तो आप यहां देख सकते हैं दिस इज ए मल्टी एमीटर बीजेटी इट इज एन पी एन तो यहां पर हम दो अमीटर यूज लेंगे उन अमीटर पर हम देंगे इनपुट सो इनपुट इज गिवन एट अमीटर एंड बेस इज कनेक्टेड टू पावर सप्लाई सो दिस इज ए कॉमन बेस कॉन्फिग्रेशन

और ये ये मल्टी एमिटर बीजेटी एक सिंगल आईसी पे फैब्रिकेट uh, किया जाता है दिस इज द एडवांटेज वी विल सी द अदर वेरिएंट ऑफ टीटीएल लॉजिक फैमिली नेक्स्ट स्लाइड्स। दिस मल्टी एमिटर स्टेज एंड दिस इज इन्वर्टर स्टेज वर्किंग ऑफ बेसिक टीटीएल बेसिक टीटीएल सर्किट देर आर टू पार्ट्स मल्टी स्टेज एमिटर एंड सेकेंड इज इन्वर्टर देखिए मल्टी स्टेज इज नथिंग बट ए एंड गेट लाइक डी टी एल तो यहां डब्लू होगा ए टू बी और इन्वर्टर इज नथिंग बट ए नॉर्थ गेट तो वाई इक्वल टू आएगा ए टू बी का बार सो इट इज ए नैंड गेट सो इन अपर थ्री केसेस इफ एनी वन ऑफ इनपुट इज जीरो बी ई जंक्शन क्या हो जाएगा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा इफ बी जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस तो टी वन किस में चला जाएगा सेचुरेशन में चला जाएगा या ऑन हो जाएगा तो इन ऑल अपर थ्री केसेस टी वन विल बी ऑन जीरोब्लू पॉइंट किससे कनेक्टेड हो जाएगा इनपुट से कनेक्टेड हो जाएगा इफ इनपुट इज जीरो इनपुट टू टी टू इफ तो टी तो टू क्या हो जाएगा ऑफ हो जाएगा और टी टू ऑफ हुआ तो यह सब कट ऑफ हो जाएगा तो करेंट विल पास थ्रू आर सी जिस इज आरसी रेजिस्टेंस तो वाई आएगा हाई ये आएगा हाई बन बट इन लास्ट केस दिस इज द लास्ट केस इफ बॉथ इनपुट आर वन इफ बोथ इनपुट आर वन तो ई बी जंक्शन होगा रिवर्स बायस सो इट विल बी इन एक्टिव मोड एक्टिव मोड में होगा तो W ये ये फॉरवर्ड बायस रहेगा तो W विल भी हाई तो W होगा हाई W हाई होगा तो टी T2 टी टू विल भी ऑन टी टू ऑन होगा तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो ये ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा तो Y विल भी जीरो सो इन लास्ट केस T2 टू विल ऑन एंड आउटपुट इज ज़ीरो सो इट इट इज एक्टिंग एज ए नैंड गेट डिस ऑफ बेसिक टीटीएल की बेसिक टीटीएल हम क्यों यूज नहीं लेतेज ए रेजिस्टेंस दिस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस एक्चुअली जो भी लोड के साथ कनेक्टेड होता है रेजिस्टेंस उसको हम या तो पुलअप सर्किट रेजिस्टेंस बोलते हैं या पुल डाउन रेजिस्टेंस बोलते हैं दिस इज नथिंग बट ए लोड लोड रेजिस्टेंस प्रॉब्लम इज दट वेन लेट्स एज्यूम t2 टू इज ऑफ यदि t2 टू ऑफ होगा तो ये कट ऑफ हो जाएगा तो ऑल करंट विल पास थ्रू आर सी तो ऑल करंट विल पास थ्रू आर सी एंड वाई वाई इक्वल टू हाई तो सारा करंट जाएगा आरसी के थ्रू तो प्रॉब्लम इज दट देर विल बी सम पावर डिसिपेशन पावर डिसिपेशन विल भी होगा आरसी इन टू सम आई तो आई स्क्वायर आर सी तो दिस शुड बी लो वेन टी टू इज ऑफ टू मेक पावर डिसिपेशन लो आर सी शुड बी डिक्रीज दिस इज़ द प्रॉब्लम बट वी नो दैट कि ये तो फिक्स वैल्यू है वी कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ आर सी हम कैसे चेंज कर सकते हैं एक बार सर्किट में लगाने के बाद सो आर सी कैन नॉट बी चेंज सेकेंड केस इफ टी टू इज ऑफ सॉरी टी टू इज ऑन तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो अपर सर्किट को हम चाहते हैं कि डिस्कनेक्ट हो क्योंकि हम चाहते हैं वाई वाई, वाई शुड बी जीरो तो y जीरो कब होगा पूरी तरीके से जब अपर सर्किट डिस्कनेक्टेड हो अपर सर्किट डिस्कनेक्ट कैसे होगा जब आरसी की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी यदि आरसी की वैल्यू ज्यादा है देन इट विल एक्ट एज ओपन सर्किट तो इफ टी टू इज ऑन आर सी शुड बी वेरी हाई तो ये दूसरा केसेस है तो ये दोनों केसेस के कारण आर सी का वैल्यू हम चेंज करना चाहते हैं तो हमने देखा अभी टी टू यदि ऑफ था तो आर सी का वैल्यू क्या होना चाहिए था लो होना चाहिए था टू मेक पावर डिसिपेशन लो एंड इफ टी टू इज ऑन तो आर सी यू वैल्यू क्या होना चाहिए था हाई होना चाहिए था टू मेक इट डिसकनेक्टेड सो सो पुलअप रेजिस्टेंस शुड बी वेरिएबल तो हम यहाँ पर क्या दिस इज कॉल्ड पैसिव पुलप तो हमें क्या यूज लेना है ऐसा सर्किट यूज लेना है जिसमें रेजिस्टेंस केस बाई केस वेरी करे राइट इफ टी टू पर डिपेंड करे तो ऐसा सर्किट बनाने के लिए हम यूज लेते हैं नेक्स्ट टोटम पोल या फिर उसे हम इट इज ऑल्सो कॉल्ड पुष्पोल एम्ब्रीफायर तो पुष्पुल एम्पलीफायर को हम देख सकते हैं पुष्पुल uh, एम्पलीफायर को हमने एक uh, power, एक टॉपिक एक मेरे एक वीडियो में uh, भेजा हुआ है दैट इज पावर एम्पलीफायर उसमें आप देख सकते हैं पुष्पुल एम्पलीफायर का वर्किंग तो हेयर पुष्पुल एम्पलीफायर पुष्पुल सर्किट को हम यहाँ पोल सर्किट ही बोल रहे हैं सो इंस्टेड ऑफ अप रेजिस्टेंस वी विल यूज पोल इन नेक्स्ट सर्किट्स so that's why we use totem pole configuration or push pull config, uh, configuration now we will see the uh, next uh, uh, family uh, next type of ttl that is called standard ttl this is a standard ttl it is 7400 it has a three parts multimeter stage phase splitter and टोटम पोल आउटपुट और पुश पुल आउटपुट एज इन बेसिक टीटीएल, फर्स्ट स्टेज इज मल्टीएमीटर स्टेज एंड सेकेंड इज स्टेज इज फेस स्प्लीटर एंड थर्ड स्टेज इज टोटम पोल आउटपुट देखिए इन इन माय लास्ट वीडियोस वी वी हैव सीन इन पावर एम्पलीफायर अबाउट फेस स्प्लिटर व्हाट इज स्प्लिटर वी विल सी एंड एट बेस एंड देर आर टू पॉइंट्स कलेक्टर पॉइंट दिस अपर पॉइंट इज कलेक्टर पॉइंट लोअर पॉइंट इज एमिटर पॉइंट

सिग्नल इज देन यहां एमीटर पर होगा जीरो बिकॉज एमीटर और बेस आर इन सेम फेस ठीक है तो फॉर एग्जांपल, इफ बेस पर यदि हम हाई देते हैं तो कलेक्टर पर होगा लो और एमीटर पर होगा हाई एंड दीज सी एंड ई पॉइंट आर कनेक्टेड टू इनपुट एज टी फोर एंड टी थ्री तो टी फोर टी फोर इज एनपीएन टाइप एंड टी थ्री इज है ये ध्यान रखिए टोटम पोल में या पुष्पुलेशन में बोथ टाइप ऑफ बीजेटी हम चाहते हैं कि टी फोर और टी थ्री एक टाइम पर ऑन ना हो तो हम इसे फेस स्प्लिटर से दो अपोजिट पॉइंट पर इनपुट देना होगा तो टी फोर इज कनेक्टेड टू सी एंड टी थ्री इज कनेक्टेड टू E एंड वी नो दैट सी एंड ई आर वन डिग्री आउट ऑफ शिफ्ट तो यदि सी सी हाई होगा तो उसी टाइम पर ई जीरो ई लो होगा तो टी फोर और टी थ्री कभी भी सेम टाइम पे ऑन नहीं होंगे दिस इज वॉट वी ऑल वॉन्टेड नाउ वी विल सी द ऑपरेशन इफ बॉथ एंड बी आर जीरो इफ ए जीरो एंड बी जीरो इट इज नथिंग बट एंड गेट तो बीई हो जाएगा फॉरवर्ड बायस टी वन हो जाएगा ऑन टी ऑन होगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो ये भी होगा जीरो इज इक्वल टू जीरो और बेस पॉइंट इज एट जीरो तो बेस तो पर जीरो होगा तो कलेक्टर पर कितना होगा हाई होगा वन होगा और एमिटर पर कितना होगा जीरो ही होगा या हम ये भी कह सकते हैं कि टी फोर विल बीन कट ऑफ रीजन तो यहां से भी हम देख सकते हैं यदि टी कनेक्टेड है तो वी सी सी सप्लाई से सी डायरेक्टली कनेक्टेड है तो आई होगा और ई डायरेक्टली जीरो ग्राउंड से कनेक्टेड है तो जीरो होगा हम यहाँ से भी देख सकते हैं नाउ इफ सी इज वन तो टी क्या होगा ऑन होगा तो टी होगा ऑन तो टी क्या होगा टी ई कनेक्टेड टू ई इट इज जीरो ऑफ तो थ्री यदि ऑफ होगा तो ये कट ऑफ चला जाएगा ये ऑन रहेगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो Y विल बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू वी सी सप्लाई तो Y होगा हाई सो इन दिस केस आउटपुट विल बी वन इन नेक्स्ट केस इन नेक्स्ट टू केस इफ एनी वन ऑफ इनपुट इज जीरो फॉर एग्जाम्पल इफ ए इज जीरो अगेन टी विल बी ऑन तो बेस पर कितना आएगा सेम जीरो ही आएगा बेस पर जीरो ही आएगा और कलेक्टर पर वन आएगा और एमिटर पर जीरो आएगा अगेन T4 रहेगा ऑन और T3 रहेगा ऑफ तो इस केस में भी क्या होगा T3 थ्री कट ऑफ में चला जाएगा तो इट विल बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू बी सी सी सप्लाई तो वाई आएगा हाई वन तो इन ऑल थ्री केसेस आउटपुट विल बी हाई स इफ इनपुट इज वन वन तो दिस विल बी रिवर्स बायस तो ये एक्टिव रीजन में चला जाएगा तो w विल बी हाई ये इस पॉइंट से कनेक्टेड हो जाएगा डायरेक्ट तो W विल बी हाई तो इफ W इज इक्वल टू हाई तो बेस और बेस इक्वल टू वन वी कैन सी दैट तो C कितना आएगा जीरो आएगा और इमीटर e, uh, uh, पर कितना वोल्टेज आएगा वन आएगा है? तो टी फोर विल बी ऑफ एंड टी थ्री विल बी ऑन इफ टी थ्री इज ऑन इट विल गो इन सैचुरेशन एंड पॉइंटली कनेक्टेड टू ग्राउंड सो वाई इक्वल टू आएगा जीरो और यदि ऑफ हो जाएगा तो ऊपर से ये वीसीसी का कोई सप्लाई नहीं आएगा सो इन दिस केस आउटपुट विल बी जीरो सो इट इज एक्टिंग लाइक ए नैन गेट तो ऑपरेशन में यहां दो एक्स्ट्रा uh, पॉइंट है सी और ई e पॉइंट पर अपोजिट अपोजिट सिग्नल देता है दैट्स वाई वी यूज एंड टूटम पोल एंड वी हैव सीन दैट इंस्टेड ऑफ आर सी इंस्टेड ऑफ आर सी वी यूज टी फोर है तो हमारा इफ तो टी थ्री ऑन रहेगा तो टी फोर ऑफ रहेगा और टी थ्री यदि ऑफ रहेगा तो टी फोर ऑन रहेगा तो so, हमारा वो पर्पज सॉल्व हो जाएगा तो एट ए टाइम कैन नॉट बी ऑन एट सेल्ड टोटमपोल कॉन्फिगेशन एंड पावर कंजन इज नेगलिजिबल क्यू नेग्लिजिबल क्योंकि लोअर uh, सर्किट काम करेगा तो अपर सर्किट काम नहीं करेगा और अपर सर्किट काम करेगा तो लोअर सर्किट काम नहीं करेगा सो so, almost there will, there will will be less power uh, consumption ऑलमोस्ट देर विर विल बी लेस पावर तो इंटरव्यू में कितनी तीन स्टेजेस होती हैं मल्टीमीटर फेस स्प्लिटर एंड टोटम पोल और सेकंड क्वेश्चन आता है टोटम पोल क्या होता है तो टोटम पोल में T3 थ्री और टी फोर दो, दो ट्रांसर होते हैं जो कभी भी एक टाइम पे ऑन नहीं होते क्यों ऑन नहीं होते क्योंकि हम दो अलग अलग इनपुट देते हैं अपोजिट इनपुट देते हैं विच आर प्रोवाइडेड बाय फेस स्प्लेटर नेक्स्ट टाइप इज शॉर्ट के टीटीएल शॉर्ट के टीटीएल लॉजिक फैमिली इन दिस लॉजिक फैमिली इंस्टेड ऑफ नॉर्मल बीजेटी देर आर शॉर्ट की बीजेटी दिस इज द ओनली डिफरेंस एंड वी नो दैट शॉर्ट की बीजेटी आर फास्टर फास्टर क्यों होते हैं बिकॉज दिस इज ए मेटल सेमी कंडक्टर डायोड बीजेटी तो इसमें कोई माइनॉरिटी कैरियर्स नहीं होता देर इज एबसेंस ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स सो शॉर्ट की डाइजर्स आर फास्टर ठीक है और कट इन वोल्टेज भी लो होगा देर इज ए लेस कट इन वोल्टेज सो शॉर्ट सॉर्टकील टीटीएल इज फास्टर देन स्टैंडर्ड स्पीड होगा अप टू टी इक्वल टू प्रोपोगेशन डिले इज टी इक्वल टू थ्री नैनो सेकंड तक फास्टर होगा दिस इज अ वेरी फास्ट स्पीड आप देख सकते हैं कि सीमोस का स्पीड कितना होता है सीमोस का प्रोपोगेशन डिले होता है अप्रोक्सिमेट टू हंड्रेड नाइनो सेकंड तक हो सकता है सो दिस इज अ फास्टर टेक्नोलॉजी Uh, next uh, uh, questions, which are which can be asked in interviews or uh, uh, other examination, uh, uh, output type of TTL. there are three types of uh, uh, outputs available. There are three types of ICs available uh, in market. Uh, first is open collector. Second uh, is totem pole, which we have seen in last slide, and third is tri-state output. इसमें से सेकेंड हम लास्ट में देख सकते लास्ट लाइन में देख चुके हैं तो ओपन कलेक्टर वी विल सी नाउ ओपन कलेक्टर आउटपुट ऑफ टीटीएल लॉजिक फैमिली तो मार्केट में तीनों ही टाइप ऑफ आउटपुट अवेलेबल है तो दिस इज ओपन कलेक्टर टीटीएल आउटपुट देखिए डिफरेंस कहाँ है डिफरेंस है यहाँ आउटपुट पर दिस इज ओपन आउटपुट ओपन आउटपुट क्यों है दिस इज एन देर इज ए नो आर सी कोई रेजिस्टेंस नहीं है और यहाँ पर टोटम पोल भी नहीं है देर इज ए नो टीफो रेजिस्टेंस एंड देर इज ए नो आर सी तो यहाँ पर जो भी लोड होगा दैट इज एक्सटर्नल लोड तो इसका एडवांटेज क्या होगा देर इज ए पुल रेजिस्टेंस और लोड इज एक्सटर्नल

टीटीएल में से जो सबसे ज्यादा इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इज ए एडर्ड ऑपरेशन पॉसिबल ये पूछा जाता है कि कि क्या टूटम पोल का यूज करके हम वायर्ड ऑपरेशन यूज कर सकते हैं तो नो यूजिंग टूटम पोल वी कैन नॉट यूज द वायर्ड ऑपरेशन बट बाई बाई यूज ऑफ ओपन कलेक्टर टी टी एल आउटपुट वी कैन वी कैन मेक वायर्ड ऑपरेशन वायर्ड ऑपरेशन मीनिंग हम डायरेक्टली दो एंड दो नैंड को डायरेक्टली वाई पॉइंट से कनेक्ट कर सकते हैं तो देर इज ए वाई पॉइंट तो तो इट विल एक्ट एज ए बी का बार इंटू सी डी का बार ठीक है दिस इज कॉल्ड वायर्ड ऑपरेशन बाई ए बी का बार इंटू सी डी का बार सो वर्चुअली देर इज ए वर्चुअल एंड गेट तो एडवांटेज क्या हुआ हमें एंड गेट का रिक्वायरमेंट नहीं रहा तो दिस इज वायर्ड लॉजिक वायर्ड लॉजिक इज ओनली पॉसिबल इफ वी आर यूजिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर सी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर सी तो यहां से एक ही क्वेश्चन बनता है दैट इज एडवांटेज ऑफ ओपन कलेक्टर इज वायर्ड ऑपरेशन पॉसिबल वायर्ड लॉजिक पॉसिबल नाउ नेक्स्ट इज ट्राई स्टेट आउटपुट देखिए इट इज कॉल्ड ट्राई स्टेट बफर ट्राई स्टेट बफर में देर आर थ्री पॉइंट इनपुट आउटपुट एंड दिस इज अ कंट्रोल पॉइंट सो इट इज नथिंग बट ए स्विच तो इफ सी इक्वल टू लो तो इट विल बी ओपन और इफ सी इक्वल टू हाई इट विल बी शॉर्ट सर्किट तो शॉर्ट सर्किट होगा तो वाई क्या हो जाएगा एक एक कॉल हो जाएगा तो दिस इज कॉल्ड ट्राई स्टेट आउटपुट अब ट्राई स्टेट आउटपुट का एप्लीकेशंस भी है कुछ उटपुट uh, प्रोवाइड uh, ये, ये यूज आता है जब हम एक से ज्यादा डिवाइसिस यूज लेते हैं फॉर एग्जाम्पल एक माइक्रोप्रोसेसर uh, में अलग अलग तरह की आईसी है लाइक ट्रिपल फाइव टाइमर है टी टी एल लॉजिक है और अलग अलग तरह की आईसी ठीक है तो हम चाहते हैं एट ए, 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 ए टाइम कि हम किसी भी एक को डीएक्टिवेट करना चाहते हैं डिसेबल करना चाहता है तो डिसेबल करने के लिए क्या करना होगा हम एक बीच में ट्राई स्टेट बफर लगाएंगे वहां पे कंट्रोल को देंगे हम जीरो तो यहां पे यदि हम ट्रिपल फाइव टाइमर आई लगाएं लगाए यहां पर रेस्ट ऑफ सर्किट है यहाँ पे ट्रिपल फाइव टाइमर आई लगा हुआ है If C zero, तो ये rest of से क्या हो, हो जाएगा मेन एडवांटेज ऑफ ट्राइ स्टेट बफर तो ट्राइस्टेट बफर no तो uh, uh, तो, uh, क्या करता है सिर्फ अनेबल और डिसबल ही करता है uh, यहां रेस्ट ऑफ डिवाइस आईसीज है ठीक है